आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी मसाला पोटैटो। इस रेसिपी में बेबी पोटैटो को क्रिस्प करेंगे और एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसे आप स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हो। ये थोड़ा स्पाइसी और चटपटा बनेगा। एक बार आप खाओगे तो इसका टेस्ट नहीं भूलोगे। इतना चटपटा और मज़ेदार बनने वाला है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें। पहले मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में एक टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे और उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट होने के बाद हम उसमें एक टेबलस्पून जीरा डालेंगे और उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब उसमें 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे और 3 लाल सूखी मिर्च डालेंगे, जिसे मैंने बीच में से कट करके बीज निकाल दिए हैं ताकि वो कम तीखा हो। बिन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करेंगे और अच्छे से खुशबू आने लगी है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसे एक बाउल में ले लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मसाला पीस के रेडी है। अब एक बाउल में ले लेते हैं इसे। आलू को बॉईल करके रखे थे, उसे हम फोर्क से इस तरह से होल कर लेते हैं ताकि जो हम मसाला बनाए तो वो आलू में अंदर तक अच्छे से जा सके। तो एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद हम उसमें आलू डाल देते हैं। आलू को मैंने बॉईल करके रखा है, तो 9 आलू लिए हैं, छोटे छोटे आलू लिए हैं। गरम गरम आलू को रोस्ट ना करें, जब बनाने हो उसके 1 घंटे पहले बॉईल करके रख दे और ठंडा होने के बाद ही इसे रोस्ट करें, नहीं तो ये अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे, ये नीचे चिपक जाएंगे। तो अच्छे से ठंडे होने के बाद ही इसे रोस्ट करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह से बीच बीच में से हम ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि सारी साइड अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से ब्राउन हो गया है और रोस्ट हो गया है। तो इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो अभी इसको तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। उसमें हम 3 कली लहसुन डालेंगे, जिसके मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब उसमें 1/2 टीस्पून तिल डालेंगे। और तिल डालने के बाद हम क्रिस्प किए हुए आलू डाल देते हैं और उसको एक बार चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब उसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। आधी टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए। और 1 टीस्पून हमने जो मसाला रेडी किया है वो डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो गैस की फ्लेम स्लो रख कर ही हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और आलू के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो पानी डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अभी अच्छे से मसाले सारे लग गए हैं आलू में, तो गैस को बंद कर देते हैं और 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देते हैं।
ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ते डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, तो एक सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। लग रहा है ना एकदम टेम्प्टिंग, तो ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारे लाजवाब क्रिस्पी मसाला पोटैटो। ये खाने में उतने ही मज़ेदार बने हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी की सामग्री को नोट करना चाहे तो कुछ इस तरह है।